फैजाबाद पुलिस का सराहनीय कदम से नवजात बच्ची 17 दिन बाद मां की गोद में पहुंची। नर्सिंग होम में डॉक्टर की गलती से पर्चे में मेल बच्चा दर्ज होने पर बच्ची के माता पिता ने बच्ची को लेने से इनकार किया था। एसएसपी सुभाष सिंह बघेल ने डीएनए टेस्ट कराकर बायोलॉजिकल माता पिता को बच्ची को सौंप दिया। 6 सितम्बर को एक शिशु बच्ची का जन्म हुआ था और उसमें जन्म हुआ था, उसके बाद से जो है उसको दूसरे नर्सिंग होम में इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया। जब बच्ची को सुपुर्दगी में दिया जाने लगा तो उनके पेरेंट्स के द्वारा ये ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया कि आपके द्वारा कॉलम में लिखा गया वहाँ मेल लिखा गया और ये तो आप फीमेल को दे रहे हैं। तो उनको ये शक हुआ, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए बच्चे को जो है कहीं बदला गया या कुछ कोई बात हुई है, एक कोतवाली नगर में एक मुकदमा कायम कराया। और इसके बाद से जैसे ही हमारे अधिकारियों को सूचना मिली, हमारे सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। डीएनए सैंपलिंग सीजे महोदय के यहाँ अप्लाई किया गया और वहाँ से डीएनए के लिए भेजा गया। जो डीएनए टेस्ट हम लोग को आज प्राप्त हुआ है, जिसमें जो श्रीमती उर्मिला है वही उस बच्ची की बायोलॉजिकल माता है, ये साफ साफ उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है। और आज बाकी फॉर्मेलिटीज, वैधानिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आज बच्ची को उसके पेरेंट्स की सुपुर्दगी। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।